श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, आज एक बहुत ही अहमियत रखने वाली शख्सियत के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, डॉक्टर पीएस यादव इज ए वेल नोन नेम हेयर एट फरीदाबाद। यहाँ के मेन हॉस्पिटल बीके हॉस्पिटल, ईएसआई हॉस्पिटल में सीएम के तौर पर काम करने के पश्चात एक बहुत प्रोमिनेंट प्रैक्टिशनर के रूप में भी डॉक्टर पीएस यादव फरीदाबाद में जाने जाते हैं। मैं इनसे तब से परिचित हूँ जब ये भिवानी सिविल हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर काम करते थे। इतनी लंबी जर्नी जो कि भिवानी से शुरू हुई और फरीदाबाद तक चलती आ रही है, मैंने डॉक्टर साहब की उन्नति के कई चरण देखे हैं। आज इनसे विशेष अनुरोध के बाद इनसे समय लिया है और आज हम आपसे इनका परिचय भी कराएंगे और इनके जो डॉक्टरी की महारत है उसके बारे में भी अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे। डॉक्टर पीएस यादव, आपका हमारे रेडियो बूज पर बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू गंभीर साहब, हमारा एसोसिएशन लंबा है इसमें तो कोई दो राय नहीं, पर मैं इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं हूँ। हाँ, एसोसिएशन हैज बीन क्वाइट लॉन्ग फ्रॉम भिवानी एंड वी हैव बीन नोइंग ईच अदर वेल एट पर्सनल एंड फैमिली लेवल। यस, देयर इज नो डाउट कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में हम एक दूसरे के साथ भी रहे हैं। यस, तो आपके इन शब्दों के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो आपने कहा कि बड़े सक्सेस और ये चीज़ें वो करी, सक्सेस कोई भी आदमी चाहता है तो अटेनमेंट ऑफ सक्सेस इज योर ऑब्जेक्टिव, बट सक्सेस कम्स विदाउट फेल्योर्स, इट इज़ नॉट ट्रू, बट फेल्योर्स आर पार्ट ऑफ योर जर्नी टू सक्सेस। जी, और इस जर्नी में हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे अपने विचारों के, आचारों के, लोगों से मिलने के, बड़े बड़े ही प्रिंसिपल लेवल की थिंकिंग से। मैंने भिवानी में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करा था एंड लेटर ऑन जैसे जैसे समय बीता, समाज और लोगों के व्यवहार, आचार और सोच से हम भी प्रभावित होते गए, और वो जो हमारे इनिशियल विचार थे ना कि हम बिल्कुल एक स्वामी विवेकानंद टाइप्स के यही करना है, यही ठीक है, उसमें बदलाव करते गए, समाज के हिसाब से थोड़ा बदलते गए। उसमें हमें कुछ फेल्योर्स भी मिले, कुछ असंतोष भी मिला, कुछ मैं डेविएट भी हुआ। आई वेंट इनटू पॉलिटिक्स एट बिकॉज ऑफ सर्टेन माई एक्सपीरियंसेस विच वर नॉट वेरी प्लेजेंट, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि मैंने इतना समय लगाया है डॉक्टरी करने में तो समाज सेवा के लिए इतना अच्छा प्रोफेशन है, मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, और मैंने किया। एग्जैक्टली, ये सच है कि भिवानी से आने के बाद जब मैंने बीके हॉस्पिटल ज्वाइन किया, इट वाज अ वेरी नेसेंट हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ द देन ऑफिसर्स एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लाइक डिप्टी कमिश्नर, डीसी, कमिश्नर ऑफ एमसीएफ एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एट चंडीगढ़। हमने काफ़ी नई स्कीम्स उनको दी, सम ऑफ विच वर रियली अप्रिशिएटेड, सपोर्टेड। एज ए रिजल्ट मैं उस समय बीके हॉस्पिटल में 2-4 नए ब्लॉक्स बनवाने में सक्सेसफुल रहा। यस, जिस पे मुझे काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ा, कुछ इंक्वायरियाँ भी हुई, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं भटका।
लाइक फिजियोथेरेपी सेंटर, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, हम पोलियो के केसेस की करेक्शन करते थे मरीजों की, बाहर से टीम आती थी हैदराबाद से, उस टीम को हम दूसरी जगह धर्मशाला में ऑपरेट करते थे, फिर पोस्ट ऑपरेटिव हम देखते थे। तो देन डिप्टी कमिश्नर से मैंने अप्रोच किया और मैंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर बनवाया फरीदाबाद बीके हॉस्पिटल में विद द हेल्प ऑफ रेड क्रॉस एमसीएफ। हालांकि गवर्नमेंट लैंड पे बनवाने पे मेरे को काफी कुछ झेलना पड़ा, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट था पब्लिक सर्विस और पब्लिक के लिए वो चीजें दी जाए जो उनकी जरूरत थी उस समय। उस समय प्रदेश में ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत कम होते थे, तो हमें बहुत से काम डिसेबिलिटीज के असेस करने के लिए, लोक अदालत से अटेंड करने के लिए, उनको कंपनसेशन दिलवाने के लिए, एमएससीटी के केसेस में गवर्नमेंट को उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कई कई जगह जाना पड़ता था। इसलिए उस समय मेरा काम इतना मुश्किल था कि गवर्नमेंट जॉब के 6 घंटे के अलावा 6 और घंटे में बिता रहा था इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ऑफकोर्स मेरा अपना भी वो था विद हाई ऑब्जेक्टिव टू डू मोर एंड अटेन मोर, बट इट वॉज प्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड नथिंग पर्सनल। डॉक्टर यादव, इससे पहले कि हम आपकी डॉक्टरी से रिलेटेड बातचीत को कंटिन्यू करें, मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आप हरियाणा के किस हिस्से से बिलोंग करते हैं, आपका विलेज कौन सा है, आपने एजुकेशन कहाँ से ली, आपने मेडिकल डिग्री कहाँ से प्राप्त की, आपने एमडी कौन सी स्पेशलाइजेशन में किया जी, उसके बारे में। गंभीर साहब, आई बिलोंग टू ए वेरी रिमोट विलेज ऑफ हरियाणा। यस, द विलेज इज नांगल पठानी, इट इज 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रेवाड़ी। ओके, इट्स ए वेरी प्रोमिनेंट विलेज ऑफ अहिरवाल। मेरे फादर 1905 में इंजीनियरिंग करके आए थे, उस समय गांव में 2 और आदमी थे जी, जिन्होंने एक ने इंजीनियरिंग करी और एक ने वेटरनरी सर्जरी करी। ये तीनों उस समय अहिरवाल के सबसे ज्यादा लिटरेट रादर दिन पंजाब के कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों में से थे जिनको ये इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि वो अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और सोच सकते हैं। मेरे फादर बर्मा में काम करते थे, पर हिंदुस्तान के बर्मा अलग होने के बाद उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ फोर्सिबली वापस आना पड़ा जी, और ही चूज टू सेटल इन हिज ओन विलेज। उन्होंने ये संस्कार हमको दिए कि जिस माटी से तुम बड़े होकर ऊपर जा रहे हो वो माटी तुम्हारा पहला प्यार और पहली सेवा का हकदार है। इसलिए वो गांव में रुके, सारी उम्र लोगों की सेवा करी और सच का साथ दिया और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। मैं 7 भाइयों में सबसे छोटा था। मेरे 2 बड़े भाई दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज के ग्रेजुएट थे, वो जब नौकरी करने लगे तो उन्होंने अपने भाइयों को पढ़ाया। मुझे मेरे सबसे बड़े भाई जो मेरे पिता तुल्य है, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हुए, इंटरनेशनल लेवल के बास्केटबॉल के रेफरी रहे हैं, चंडीगढ़ में सेटल्ड है, वो मुझे लेकर गए। उन्होंने मुझे पहले रुड़की फिर चंडीगढ़, मेरा सारा स्कूलिंग 5वीं क्लास ऑनवर्ड्स चंडीगढ़ हुआ। उसके बाद पंजाब हरियाणा अलग हुआ, तो यूटी कोटे से हमको एमबीबीएस में मेरिट, हालांकि हमारी बहुत हाई थी पर उसी साल डिवीजन हुआ हरियाणा पंजाब का, ठीक है। यूटी कोटे से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट मिली। एमबीबीएस के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑर्थोपेडिक्स मेडिकल कॉलेज रोहतक से करी। मैंने एमबीए इन हेल्थ केयर फ्रॉम एफएमएस दिल्ली से किया। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इन ह्यूमन राइट्स दिल्ली से किया। तो इस तरह भांति भांति के कोर्सेज में समय समय की नीड या जरूरत या मेरी सोच के अनुसार करता रहा और उन सब का समन्वय का जो भी ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ, मैंने आज तक 1 महीने पहले तक 74 साल की उम्र तक जो दे सकता था जनता को देता रहा। और डिफरेंट विमेन हॉस्पिटल्स में रिटायरमेंट के बाद, जहाँ कहा जाता था कि रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कोई इस लायक नहीं समझता कि नौकरी दे, मैंने सिविल सर्जन से भी ऊपर वाले पोस्ट पे काम किया एज मेडिकल डायरेक्टर, एज मेडिकल स्टूडेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेट्रो, सर्वोदय, पार्क, सन फ्लैग,
And you name a hospital. Yeah. And I worked. Undoubtedly, Dr. Saab, फरीदाबाद में आपकी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है, सिर्फ फरीदाबाद नहीं, इवन भिवानी सिविल हॉस्पिटल में भी आपका बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहा है, इसका तो मैं स्वयं साक्षी हूँ। और आपकी मेडिकल रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो हम अपने आँखों के सामने देखते रहे। डॉक्टर रेणु गंभीर भी वन ऑफ योर एप्रिशिएटर रही हैं, आपके काम करने के तरीके को, आपकी डेडिकेशन को, इन सब बातों को बहुत अच्छे से याद किया जाता रहा। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कोई स्पेशलिटी भी ओन करी आफ्टर योर ग्रेजुएशन? जी जी, ऑर्थोपेडिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा। यस, मेडिकल कॉलेज रोहतक से। अच्छा। और मैंने भिवानी के बाद जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ ऑर्थोपेडिक्स बिल्कुल नील था। okay. हमारे टाइम में ऑर्थोपेडिक जनरल सर्जरी एक ही ब्रांच होती थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स एंड डिस्प्लेजर ऑफ माई सीनियर कोलीग्स इंक्लूडिंग देम सिविल सर्जन, हाँ जी, हमने ऑर्थोपेडिक्स को एक सेपरेट ब्रांच बनवाने में सरकार से काफ़ी गुहार लगाई, एफर्ट किया और अल्टीमेटली वी वर एबल टू एस्टेब्लिश ऑर्थोपेडिक्स एज ए डेफिनेट आइडेंटिटी देन जनरल सर्जरी। एज ए रिजल्ट फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के केसेस होने लगे, डिपार्टमेंट डेवलप होने लगा, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर बना, फिजियोथेरेपी सेंटर बना, रेड क्रॉस से फिजियोथेरेपी सेंटर बनवाया गया जी। जो कि आज की डेट में मतलब बड़ा फेमस फिजियोथेरेपी सेंटर है। yes. और 200 मरीजों की रोजाना फिजियोथेरेपी दोनों डिपार्टमेंट्स में होती है। हाँ। तो मैंने ये सब किया और जो चलन नहीं था कि केस रेफर होते थे, हाँ, उन सबको मैंने ट्रेंड चला के सिविल अस्पताल में करने और करवाने का एक बनाया। जब मैं सिविल सर्जन बना ईएसआई का, हाँ, तो भी मुझे लगा कि मुझे ये लोगों को रेफर करने का सिस्टम ठीक नहीं है। एम्प्लॉयज अपना पैसा कटवाते हैं, उनको रेफर किया जाता है, तो गवर्नमेंट को अपील की गई कि इनके एम्पैनल किया जाए लोकली स्पेशलिस्ट के पास, क्लिनिक सेंटर के पास, हम इनका पैसा उनको रीइंबर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट रेट पे, ये क्यों धक्के खाएं दिल्ली। गवर्नमेंट वाज गुड एनफ टू एक्सेड टू दिस। तो पहले हमने छोटे छोटे नर्सिंग होम क्लिनिक्स वगैरह एम्पैनल किए एंड लेटर ऑन मिस्टर श्रीवास्तव, ही वाज द डीजी ईएसआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई पर्सनली मेट हिम एंड टोल्ड हिम कि पैन इंडिया में यदि आप लोगों को सचमुच सर्विस देना चाहते हो, दैट वाज माय ब्रेन चाइल्ड विच ही डिड नॉट एग्रीली। ही सेड कि क्या बातें कर रहे हो, 25,000 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से उस समय ईएसआई कॉरपोरेशन के पास एम्प्लॉयज का था। तो मैंने उनको एक प्लान दी इन कंसल्टेशन ऑफ कोर्स विद माई डायरेक्टर डॉक्टर सारन कि आप पैन इंडिया मेडिकल कॉलेज खोलिए, उनके लिए उन्हीं जगह खोलिए जहाँ वो पॉसिबल है, जैसे लैंड अवेलेबल है, ईएसआई हॉस्पिटल 300 बेड का अवेलेबल है, 20-30 साल से चल रहा है, 50-60 लाख उसको कैटर करने वाले ईएसआई के मजदूर हैं। हाँ। इस तरह की एक सर्वे रिपोर्ट 2005 से एंड ऑफ कोर्स विद एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम डॉक्टर रेणु गंभीर एंड अदर सीनियर पर्सन हमने बना के गवर्नमेंट को सबमिट करी, जो बाद में फ्रूटफुल हुई और वो पैन इंडिया में 15 जगह ऐसी सेलेक्ट की गई कि जहाँ 300 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल 30 साल से चल रहा था और वहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज बन सकता था। हमने यहाँ पर फरीदाबाद में भी ये एप्लीकेशन दी और 14 सेलेक्ट हो गए, केवल हमारी पे ही ऑब्जेक्शन आ गया। okay. कि लैंड जो हमारे पास थी वो डिवाइडेड थी, एक 8 सेक्टर में और ये 3 सेक्टर में मिला के 25 एकड़ बनती थी। फिर भी हमने दिधन कमिश्नर हेल्थ अनुराधा गुप्ता जी को कन्विंस किया कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हम फरीदाबाद को एक सिटी इन सिटी देना चाहते हैं। 1,800 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आएगा, प्रदेश को फायदा होगा। आप ये लैंड जो कि पहले हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट की टूरिज्म को दी थी, इसको वापस करवा दें और इस तरह से मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, जिसके लिए मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम था, इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले थे। बट हैट्स ऑफ टू हर
टू दी पावर्स दैट वर दी देन कमिश्नर मिस्टर गुलाटी डॉक्टर डी बी सारन, इन सब ने मेरे को नोडल ऑफिसर बनाया स्टेट का टू रिप्रेजेंट फॉर द पर्पज ऑफ इनग्रेटिंग मेडिकल कॉलेज. यस एंड आई वाज अल्टीमेटली एबल टू गेट इट डन वन मंथ बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इलेक्शंस एंड दिस इज हाउ दिस मेडिकल कॉलेज केम इनटू बीइंग. दिस वाज माय लास्ट बट वेरी चेरिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ माय करियर. आई थैंक यू द देन मिनिस्टर Mr. A.C. Chaudhary. Yes, I was just going to name him. Who was instrumental in helping me out of the way in getting the proposal of this land transferred in the name of ESI Corporation. Okay. तो डॉक्टर साहब कुल मिलाकर आप कितने समय तक फरीदाबाद में BK Hospital plus ESI Hospital में बतौर CMO काम करते रहे? बतौर CMO तो लास्ट स्टेज में बनता आदमी डेढ़ दो साल के उसमें, लेकिन मैं ESI और BK हॉस्पिटल में 1983 से लेके मेरे रिटायरमेंट तक मैंने केवल 90% BK में और 10% ESI में काम किया. ओके. उस समय हमारे टाइम में ESI और BK हेल्थ डिपार्टमेंट अलग नहीं होते थे. फैक एंड ऑफ माय कैरियर ये अलग हुए तो मेरा सारा जीवन फरीदाबाद में केवल लोगों की सेवा करते हुए BK और ESI में ही बीता. यस यस. आपकी डॉक्टर साहब कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत देर तक याद किया जाएगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. डॉक्टर साहब मैं सिंस योर स्पेशलिटी इज द रिगार्डिंग बोन्स रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा, कीपिंग इन व्यू आर सीनियर सिटीजन्स और इवन कॉमन पेशेंट्स, कि आजकल जो बोन्स से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, जैसे कैल्शियम की कमी होना, जैसे ओल्ड एज में आके उनको कई तरह की बोन्स से रिलेटेड तकलीफें आ जाती हैं, उनके बारे में आप ए वर्ड ऑफ कॉशन क्या देना चाहेंगे ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम्स ना हो, और अगर हो तो उसका क्या सरल तरीका है उसका ट्रीटमेंट लेने का? गंभीर साहब, मैं शुरू से ही इस बात का प्रोपोनेंट रहा हूँ कि वन शुड एंडेवर टू गिव हेल्थ एजुकेशन मोर देन हेल्थ ट्रीटमेंट. एग्जैक्टली. हेल्थ एजुकेशन अगर दिया जाए बच्चों को शुरू से तो बहुत सी बीमारियां, पर्टिकुलरली डिजेनेटिव प्रॉब्लम्स, एजिंग प्रॉब्लम्स, उम्र के साथ जो बढ़ आती हैं वो प्रॉब्लम्स से छुटकारा नहीं तो कम से कम दे कैन बी डिलेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड एंड विद ए हेल्दी प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ये डॉक्टर साहब जो शियाटिक पेन्स हैं या ये थोड़ा इसको टच करते हुए आप बात करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो ये है कि खाना सेहत के प्रति बिल्कुल भी आदमी आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल पेरेंट्स से लेके बच्चों तक टीचर्स स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन नाम कोई चीज ही नहीं है. पीटी पीरियड हुआ करता था वो खत्म हो गया, हेल्थ एजुकेशन पीरियड होना चाहिए वो नहीं है. मॉरल साइंस तो बाद में आएगी, आपके अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप मॉरल कैसे प्रैक्टिस करोगे लाइफ में? ठीक है. इसलिए हेल्थ एजुकेशन इट शुड बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट जिसके अंदर क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर कितनी करनी चाहिए, बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड एज वाइज टू एवरी एज. बचपन में भी यही चीजें हैं, जवानी में भी यही है और एजिंग के साथ भी यही है कि आपको खाना, आपका पोस्चर, आपकी एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है. तो टोटलिटी में हर आदमी किसी न किसी तरह की बोनी प्रॉब्लम से आजकल सफर कर रहा है. जवान बच्चों को सर्वाइकल प्रॉब्लम होने लगी, आप शियाटिक की बात कर रहे हो, शियाटिक का प्रोलॉन्ग सिटिंग से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस और शियाटिक चेंजेस ये सब आने लगी. कोई बाहर घूमना नहीं चाहता, कोई सैर नहीं कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कोई पोस्चर का ध्यान नहीं कर रहा,
कोई डाइट का ध्यान नहीं दे रहा, जंक फूड फलाना। सो मेरी आइडिया, मेरे सजेशन ये है लोगों को जी, केवल आधा घंटा रोजाना हाँ इस बात का ध्यान दें कि हमें क्या नहीं खाना okay. और क्या खाना है। okay. नहीं इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज के डेट में 90% ऑफ द फूड दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इज ए जंक टाइप ऑफ फूड और देयर एलाइज। नियर नेचुरल, घर में सब्जी, हरी सब्जियां खाना। नेचर ने मौसम के हिसाब से जो प्लांटेशन दी है आदमी को, यदि केवल उसी पे ध्यान ले लें, ज्यादा पढ़ाई ना करते हुए, तो भी उनको बीमारियों से काफी छुटकारा पाया, चाहे वो सब्जी हो चाहे फल फ्रूट हो। नेचर के सीजन के हिसाब से जो चीज भी कंज्यूमेबल नेचर बना रही है दे रही है, वो सेहत के लिए हमेशा फायदेमंद होगी, हानिकारक yes. नहीं होगी। बहुत मोटी और स्पष्ट बात आपने बताई कि सीजन के हिसाब से जो सब्जियां और फल हैं उनका सेवन आप करते रहिए, और ये बात नेचर ने ही डिटरमिन कर रखी है कि आपने किन सब्जियों का सेवन करना है, किन फ्रूट्स का सेवन करना है जी, उसी के हिसाब से हमें सब्जियां फल अवेलेबल होते हैं। और माया और काया जी, माया के पीछे काया खराब करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। क्या बात है, काया कर्म से रहेगी। यस, कर्म एक्टिविटी से रहेगा, एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। यस, कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए, फिर वो प्रॉपर होनी चाहिए। यस, केवल 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा अगर आप अपने शरीर की इन बातों की तरफ ध्यान दे ले हाँ। तो मैं समझता हूँ कि एवरीबॉडी विल गो लॉन्ग वे इन अटेनिंग ए हेल्दी एजिंग इन देयर लाइफ। यस डॉक्टर साहब, एक और आजकल देखने में बात आई है, आपने भी योगा करना शुरू किया है और आप मुझसे कह रहे थे कि आपके पास योगा के लिए पहले एक कोच आया करते थे जी, आपने पहले उनसे सीखा जी, फिर आपने योगा करना शुरू किया। आम तौर पर ये फैशन हो गया है कि अगर मुझे ये मालूम होता है कि आप कर रहे हैं तो मैं भी करने लगता हूँ, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से पोस्चर में बैठने से योगा सहायक होता है और कौन कौन से पोस्चर में बैठने से योगा नुकसानदायक भी हो जाता है जी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। थैंक यू गंभीर साहब, वैसे तो बड़ा जटिल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको समझाने के लिए योगा के लोग भी नाराज हो जाएंगे, पर योगा मींस एन एक्सरसाइज टू कीप योर मसल बॉडी इक्वेशन इन ए नॉर्मल पोजीशन। राइट, ना तो योगा पहलवान बनाने का वो है। यस yes. ये एक नॉर्मल एक्टिविटी जिसमें आपके शरीर को तंदुरुस्त रहे, मोबिलिटी होती रहे, मसल ठीक रहे, ज्वाइंट ठीक रहे। तो अगर इसको योगा हटा दें इस नाम से, तो हमारे पुराने टाइम में स्कूल्स में जो एक पीटी एक्सरसाइज ड्रिल हुआ करती थी, बिल्कुल ठीक है, वेरियस जॉइंट्स के एक्सरसाइज, बेंडिंग फॉरवर्ड, ये ऊपर नीचे right. और वो ताल के साथ exactly. केवल उसी को यदि सब लोग कर लें yes. तो इट इज एज गुड एज एनी योगा। यस यस, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही सिंपल ढंग से आपने इसकी फिलॉसफी का जो मरम है वो समझाने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर डॉक्टर साहब, आजकल सियाटिक पेन और स्पॉन्डिलाइटिस और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स आपने। कमीर साहब, ये आपका बहुत ही उचित और रेलेवेंट क्वेश्चन है, और इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद everybody these days, everybody means 70% of the people, yes, or even more than that. तो मैं उनके काम करने के तरीके को या उस ड्यूरेशन को तो नहीं उनको कम करने के लिए कह सकता, मतलब उनके क्योंकि बैठने का जो उनकी प्रायोरिटी ही वो है, लेकिन मैं उनको ये समझा सकता हूँ कि अगर आपको बहुत देर बैठना है, आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, yes. आपके हिप्स के नीचे एक फोमी चीज होनी चाहिए, और फोमी से पैड हो या एक फोम की गद्दी बनवा लें जिसके अंदर थोड़ा सा एक सर्कल कटवा के, और ताकि आपके टेल बोन वगैरह हार्ड सरफेस के ऊपर ना टिकी रहें, और इसी प्रकार
प्रोलोंग सिटिंग पे जो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, जजेस हैं, जिनको कि डेस्क वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वो फ्रीक्वेंटली अपने ऑफिस में, उनको अलग से कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिस पोस्चर में वो ज्यादा देर बैठे हैं उसके रिवर्स पोस्चर में यदि नेक को उल्टा करके उसी कुर्सी पर लटका के 20 काउंट करें फिर सीधा कर लें, 20 काउंट करें सीधा 10 बार दिन में 3 बार 4 बार 5 बार कर लें, तो इस प्रॉब्लम से उनको काफी हद तक निजात मिल सकती है, उनको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने काम में कटौती करने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो ये थे डॉक्टर पीएस यादव, जो बतौर सीएमओ काम कर चुके हैं, बहुत प्रोमिनेंस रही है, और हमारा ये सौभाग्य है कि आज डॉक्टर पीएस यादव ने हमें हेल्थ रिलेटेड बहुत से टिप्स दिए हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इसको वाइंड अप करें, चलते चलते कुछ ऐसे टिप्स जो आपने अपने अनुभव के आधार पर वेरियस पेशेंट्स को गलतियां करते हुए ऑब्जर्व किया है और अब आप उनको करेक्ट करना चाहें, कुछ एक वो हिंट्स आप और दे दें। मैं सबको ये कहता हूँ कि प्रकृति हमारी माँ है। Yes. और उससे आप सीखो, अगर वो रास्ता उबड़ खाबड़ है तो उसे खिलवाड़ ना करो, देख के चलो। अंधेरा है तो सीधे गर्दन करके चलो, नीचे से झुका के ना चलो। ठीक। अगर आसपास भीड़ है तो स्पीड कम रखो। Yes. और इसी प्रकार आप यदि, मैंने देखा कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स, इंजरीज, प्रॉब्लम्स हेस्टी डिसीजन से आई हैं। Yes. या ये चीज को देखा सोचा नहीं गया। Yes. या उसकी परवाही नहीं करी। Yes. एंड मोस्ट केसेस में दूसरे से बिल्कुल लर्न नहीं की। Yes. Yes. तो अगर हम यही देख ले अपने घर में, अपने समाज में, आसपास में, कि इस आदमी को ये प्रॉब्लम आई, क्यों आई। Yes. तो क्या मुझे ये इसमें से क्या चीज बचाव करना चाहिए। तो ही उसको डॉक्टर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा हम करते हैं ना, अपने घर से सीखते हैं ना, अपने बुजुर्गों से सीख रहे हैं ना, आसपास के माहौल तथ्यों से, कहानियों से सीख रहे हैं ना, होने वाली बीमारी दूसरे को उसकी पता चलने के बाद उसके कारणों से सीख रहे हैं। सुन के ये इसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा, इस एक्टिविटी के साथ जी रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, अवॉइडेबल है। यस, बिल्कुल ठीक है। तो साथियों, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को जीवन में चुस्त दुरुस्त रखने के लिए किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आसपास भी अगर आप खुली दृष्टि से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि इन सब बातों को जिनको डॉक्टर पीएस यादव ने हमारे साथ अपने अनुभव के आधार पर शेयर किया है, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम अपने जीवन की बहुत सी दिक्कतों को अवॉइड कर सकते हैं और एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः डॉक्टर पीएस यादव का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और हमारे श्रोताओं के लिए बहुत से यूजफुल टिप्स दिए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया ये बात कहने का। लेकिन हेल्थ एजुकेशन, मैं अंत में यही कहूँगा कि हेल्थ एजुकेशन इज मोर देन दी हेल्थ ट्रीटमेंट। यस, एजुकेशन वाली चीजें लो, समझो, छोटी छोटी चीजें हैं। Yes. उन्हीं से आपकी 70% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। 90% ऑफ द मरीज जो जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो मरीज नहीं होते। Yes. उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा हो गया, मैं भी करा लूं। Yes. उसकी बॉडी जब आपको सिग्नल देती है, उसको इग्नोर ना करें, उसी से रिलेटेड वो करें, बहम और फिक्र ना करें। Yes. ये बीमारी किसी डॉक्टर के इलाज में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। केवल अपना सावधानी बरतें और ध्यान। देखो डॉक्टर साहब, कई बुजुर्ग हमें मिलते हैं और अक्सर वो बात करते हैं कि वॉशरूम में गए, नहाते समय फिसल गए, गिर गए, उन्होंने अपने बोन्स फ्रैक्चर कर लिए,
और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि आपको अगर पहले ये ध्यान है कि वो एक फिसलन भरी जगह है, उससे कैसे बचना है, क्या उपाय रखने हैं, तो कितने बड़े एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जा सकते हैं। जी गंभीर साहब, तो इन्हीं बातों आपकी इस बात में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये सवाल बात मैंने बहुत लोगों को देखा कि हर एक घर में बाथरूम बनाते हैं, बेस्ट से बेस्ट चिकने टाइल्स लगेंगी। यस। तो यदि पुराने जमाने में आप क्यों लें गलियारों में पानी गिरता था, मिट्टी गीली हो जाती थी, फिसलन हो जाती थी। मुझे याद है कि छोटे बच्चे थे तो जगह जगह पे बीच बीच में एक ईंट या उपला डाल दिया जाता था ताकि आप उससे पैर रख के आगे चले। यस। तो हम इस तरह इंटरप्टेड टाइल्स लगा सकते हैं यदि पूरी एग्जैक्टली बार्स के अलावा। yes. हम वो भी नहीं कर रहे। हम नंगे पैर नहीं चल रहे, हमारे पैर की ग्रिप नहीं बन रही। yes. हम कच्ची मिट्टी में नहीं चल रहे, हम गीली yes. मिट्टी में नहीं चल रहे, exactly. बच्चों को भी नहीं चलने दे रहे। yes. तो शरीर की जो शारीरिक वो क्षमता है, क्षमता है, गतिविधियां हैं, वो शरीर की क्षमता को किसी न किसी रूप में किसी न किसी सिचुएशन में कमजोर करती है। yes. जो कि नेचुरल वे का जीने में नहीं से नहीं आती। तो मेरी सबको यही है कि इससे संज्ञान लें, गीली मिट्टी से ना डरें, नंगे पाव चलें, घास में चलें। और अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि मिट्टी के अंदर एक मैग्नेटिक करंट है, कच्ची मिट्टी से जब हमारा पैर कॉन्टेक्ट में आता है तो दैट करंट गिव्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, जो हम अवॉइड कर रहे हैं फॉर इयर्स, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर पीएस यादव। हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके इन टिप्स के बारे में जो आज उन्होंने हमें दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।